हेलो एवरीवन, वेलकम. नमस्कार दोस्तों. हाँ, बाद में मॉइस्चराइजर लगा लेना. वेलकम बैक टू आवर चैनल बचत हब. यस, एंड वी आर रियली सॉरी दैट हम बहुत दिनों से कोई हमने ब्लॉग नहीं अपलोड करा क्योंकि हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी. दोनों का आवाज़ अभी भी नहीं निकल रही है. तो हम लोग अभी निकले हैं, वो भी धूप में निकले हैं ताकि हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो. और ये हमारा मास्क, ठीक है. तो आज हम मास्क से ज़्यादा आप जैकेट्स वगैरह लेके निकलो जो तुम भूल गई थी. हाँ, इसके अंदर है. तो आज हम आपको एक मार्केट दिखाने जा रहे हैं, हालांकि आपको पता होगा जो सबके फेवरेट मार्केट है. तो वहाँ पर हमारा जो मेन मोटिव है वो है कि बजट फ्रेंडली भी होता है. वहाँ पे बहुत सारे ब्रांडेड कपड़े भी मिल जाते हैं अगर आप लोग थोड़ा ढूंढोगे अच्छे से. हाँ, और हम इस बार आपको विंटर्स के कलेक्शन दिखा देंगे. एंड हम लोग आपको सीधा वहीं मिलेंगे क्योंकि उसका रूट बताने की जरूरत है ही नहीं ना. हाँ, मेट्रो से जा रहे हैं हम, जा रहे हैं सरोजनी नगर. ठीक है, तो हम आपको बताएंगे वहाँ जाके. ठीक है, ये देख रही हो, लगेगा तुम्हें कुछ मिलेगा आज. सब कुछ ले जाएंगे हमें फिर से सरोजनगर मार्केट जा रहे हैं क्योंकि हम उस बार वीकेंड में गए थे. हम बहुत रश था और उसके बाद हम दोनों को टाइम नहीं मिला क्योंकि हम दोनों बीमार पड़ गए. ऑफिस का भी काम था और अभी भी हम ठीक नहीं, हमारे गले में दर्द. हाँ, फिर भी हमें कुछ शॉप्स और कलेक्शन. हाँ, और आज हम वीकडेज में जा रहे हैं क्योंकि सैटरडे संडे पता नहीं हो क्या क्या है, मतलब हो क्या क्या है. अंकल लोग भी जा रहे हैं यार सरोजनी, मुझे समझ नहीं आता अंकल को सरोजनी में क्या चाहिए, इतना भीड़. हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें हम अंदर सरोजनी के अंदर घुस भी नहीं पाए थे. वो वीडियो है ना हमारे पास, हम वो आपको वीडियो दिखाएंगे कि कितना गंदा हाल है इस वक्त. इसलिए हम सोच रहे हैं शायद आज भीड़ ना मिले. इसी उम्मीद से जा रहे हैं. भीड़ मिली तो फिर इतना ही रहेगा सरोजनी वाला ब्लॉग. हमें हिम्मत नहीं है तीसरी बार जाने की. चलो, तो हम आपको सरोजनी नगर मिलते हैं. बाय बाय. पहनने वाला होता है ना, देखो
हमारी शॉपिंग हो गई है एंड शॉपिंग करते करते अंधेरा भी हो गया। हाँ आज आज कंपेयर टू लास्ट वीक लास्ट टाइम रश थोड़ा सा कम था। मतलब लेकिन थोड़ी सी शॉपिंग करने का मौका मिल गया। हाँ लेकिन हमारा बजट मतलब 200 या 250 उससे ऊपर हमने कुछ भी नहीं लिया है और हमें कुछ चीज़ें ब्रांडेड भी मिल गई हैं वहाँ पे, वो हम आपको अपने वीडियो में दिखाएंगे और आप हमारी हालत देख सकते हैं। मैं अपनी फ्रेंड को कॉल कर रही थी चाय बना ले। हाँ काफ़ी थक गए एक्चुअली, थक गए। अभी ना हम सारे कुछ ट्राई करके दिखाएंगे। हाँ इधर जोर से बोला मैंने। हाँ बाकी हम आपको स्टफ दिखा देंगे कि हमने क्या क्या लिया है। यस एंड काफ़ी अच्छा कलेक्शंस भी है विंटर का। अब जाना चाहो तो आप प्लीज़ वीकडेज में जाना और फिर सारी शॉपिंग करना। ये हमारा सेकंड टेक लेना पड़ गया आज क्योंकि हमारा एक वीडियो फोन का चार्ज नहीं था फोन एंड बर्बाद हो गया पूरा वीडियो। सो पहले से करते हैं शॉप्स वगैरह के वीडियोस वगैरह तो दिखा दिए, अब हम दिखाने जा रहे हैं कि हमने क्या क्या सामान लिए हैं एंड कितने प्राइजेस के लिए हैं, है ना। यस एंड मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या लिए हैं। हाँ बोलो। ये अकेले इसका नहीं है, ये मेरा भी है ये सब। हाँ ये पूरा भंडारा लगा रखा है, हम एक खुद एक सेल लगा सकते हैं इस पे बैठ के। हम अभी नहीं लगाएंगे लेकिन क्योंकि हम पहनेंगे पहले। यस तो पहले तुम स्टार्ट करो। पहले मैं स्टार्ट करती हूँ और मैं कैलकुलेट करूंगी। हाँ तुम्हारा स्टॉक कि कितना क्या है। हाँ तुमने कितने का शॉपिंग किया है, इससे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि आप सरोजनी नगर में कितने कम पैसे में बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें एंड बहुत सारी वैरायटी के साथ। यस जैसे ये मैंने लिया है एक प्ले सूट, ये इसका ये है स्टफ वूलन में है। मैं सामने से दिखा देती हूँ थोड़ा, वो मेरा उल्टा हो रखा है ये। बट इसको पहने हुए तो आप किसी ना किसी और वीडियो में देखोगे, तो हम अभी आपको पहन के तो दिखाएंगे नहीं। हाँ बट आप आगे की किसी भी वीडियोस में हम मेरे को देख लोगे इस वाले ड्रेस में, तो आप इसको स्टॉकिंग्स के साथ बूट्स के साथ विद बूट्स एंड ओवरकोट आप इसको स्टाइल कर सकते हैं, ये बहुत प्यारा लगेगा। वैसे ये ब्लैक कलर का है एंड हमने मोस्टली सामान ब्लैक एंड व्हाइट ली है। एंड यू हैव सो मेनी ऑप्शंस विद दिस, लाइक डेनिम के साथ ले सकते हो, डेनिम के साथ ले सकते हो। इसने एक बहुत कूल सा क्रॉप कार्डिगन टाइप लिया है, सॉर्ट ऑफ कार्डिगन है वो। इसी के साथ मैंने सोचा था कि मैं इसको पहनूंगी। हाँ पेयर अप करना है इसको। अभी मैं थोड़ा सा ना पास से दिखा देती हूँ। इसका स्टफ काफी ज्यादा फरी एंड बहुत ही सॉफ्ट सा है, ये क्रॉप वाले उसमें है ना। और उन लोगों को हम लोग एक बात बताना चाहते हैं जो ये लाइन बोलते हैं कि सरोजनी नगर में पहना हुआ स्टफ मिलता है। हाँ तो वो आप लोगों के ऊपर है कि आप कैसे सामान उठाते हो वहां से, आप कैसे सामान देखते हो। हाँ ये सब आपके पास टाइम है तो आप बहुत सारे शॉप ऐसे डिस्कवर कर सकते हाँ, हो ना। उसमें थोड़ा सा होता है कि थोड़ा निशान विशान थोड़े रुए वगैरह निकले, बस आपको दे। और अगर आप लकी हुए तो आपको ब्रांडेड कपड़े मिल जाएंगे, जैसे मुझे मिल गया था एक। ये आप पता नहीं अब कलर सही से दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ये थोड़ा पीच कलर में है, मिक्स ऑफ पिंक एंड पीच। हाँ और ये मेरे को मिल गया H&M का। ये मुझे मिल गया 200 रुपए का। 200 या मैं पैसे कैलकुलेट कर रही हूँ, मैं तुम्हारे शॉपिंग के चक्कर में भूल गई सब। कितने का है? 200 प्लस 200 एंड प्ले सूट 100। ओके डन 100 था। 500 में तीन चीज मिल गए इसको, वो भी एक ब्रांडेड। हाँ एक स्कर्ट ली मैंने, ये वूलन में है, वूलन वाला स्कर्ट एंड ये भी बहुत प्यारा सा डिजाइन का बना हुआ है एंड ये मुझे 200 रुपीस का ही मिला है। ये भी मैं किसी ऐसे ओवरकोट या फिर मेरे ख्याल से हम गर्मियों में भी पहन सकते हैं। हाँ मतलब इतना वैसे वूलन नहीं कि हमें गर्मी लगेगी, मतलब तुम्हें गर्मी लगेगी, बट ये काफी अच्छा है। इसके ऊपर जो वर्क है ना वो ऐसे होता है ना सॉर्ट ऑफ मैट वाला, और काफी अच्छा है ये। हाँ एंड मतलब पेंसिल भी है, सॉफ्ट भी है, ऐसा नहीं कि आपके चुभे। हाँ चुभे वाला नहीं है। सो ओवरऑल 700 का हो गया और तुम्हें कितनी चीजें मिल गई हैं इसमें? चार चीजें। हाँ चार चीजें एंड एक और स्कर्ट ली है मैंने। ये बताना आप लोग ये किसके जैसे स्कर्ट है? ये ऐसे आगे से स्लिट है। मैं बताऊँ किसके स्लिट जैसा नहीं है? इसके अंदर कपड़ा है फिर आगे से एक फ्लेयर। मैं बताऊँ किसके जैसे? हाँ बोलो। सनाया मल्होत्रा ने पहना है एक डांस में, इंस्टा पे मैंने देखा था, सेम यही स्कर्ट है।
हाँ एंड ये भी मुझे 200 रुपीज में मिल गया. ओके एंड शॉप नंबर तो हमें ऐसे याद नहीं है क्योंकि बहुत रश था, दो बार जाना पड़ा हमें. हाँ, तो लेकिन एक, ये बिक्सी और इंसेंस वाले गली में है. हाँ, तो उसमें बिक्सी के सामने आई थिंक दो या तीन शॉप के बाद ये वाला है. हाँ हाँ कर दो क्या सेफ. हाँ बिजली गिरने के बाद ये भी. एक और स्वेटर है, ये थोड़ा लॉन्ग में है, इसको आप ऐसे आगे से टक करके जैगिंग. मुझे लॉन्ग बोला तो मुझे ऐसे देखना है. नहीं जैगिंग और जीन्स के साथ वर्क कर सकते हो. फिर बूट स्टाइल कर लो, एंकल वाले या फिर नी लेंथ वाले, कोई भी उसमें. हाँ, मतलब कि अगर जैगिंग पहनो और ये पहन लो और लॉन्ग बूट या एंकल बूट तो सेक्सी लगेगा. हाँ 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 बहुत अच्छा लगेगा. और ये मेरे को 100 रुपीज में मिला. Then 1000 रुपीस में. ये किसका है तुम्हारा? Don't touch my stuff. I'm not touching your stuff. I'm just. एक और मेरे को ये काफी वार्म सा मिला है मेरे को. घर भर में पहनने के लिए काफी प्यारा सा है, ग्रे कलर का है. मैं ऐसे उठ के दिखाऊंगी. पहन के ना दिखा दो. ना पहन के ना दिखाएंगे हम. ये भी काफी प्यारा सा है डिजाइन. कितने का था ये? 80 का, 100 नहीं, ये 100 का है. ये 100 वाले सेल से उठाया है हमने. मतलब कोई भी हमारा सामान 200 या 250 से ऊपर गया ही नहीं है. हाँ एग्जैक्टली. और कोई भी ऐसा नहीं लगेगा आपको कि भैया ये पहना हुआ है या रुई निकल गया. एक और मैंने ली है, वो भी 100 का है. ऐसे वी नेक में है ये. बहुत टाइम लगा था भैया इसे ढूंढने में. ये भी वी नेक में है और ये भी 100 रुपीज का मिला है मेरे को. अब घर वर में पहनने के लिए काफी नहीं. इनफैक्ट हम मार्केट मार्केट भी जा सकते हैं. इतना वैसा नहीं है ना ये. है हाँ, ये क्या है तुम्हारा पैंट जो आजकल बहुत हाँ, चल रहा है. ये एक मैंने ली है वूलन वाले ट्राउजर. इसको आप बाहर भी पहन सकते हो. अच्छा है. अच्छा है ये, काफी चल रहा है. आपने ये वाला जारा में या चेने में ऐसा वाला हाँ, देखा हाँ, है हाँ, कुछ स्ट्रिप वाला भी आता है या कुछ भी ऐसे करके. ये कितने का था? 250 का था. ये हमें 250 में मिल गया था. काफ़ी वार्म है कपड़ा एंड काफ़ी सॉफ्ट सा भी है. एंड वेयर करके आप कहीं भी चले जाओ, घर में भी पहन सकते हो. yeah. है ना. और कुछ था मेरा? नो नथिंग. बाकी योर्स? यस ऑल माय. दिस वन, व्हाट इज दिस? ओके चलो मेरा डन. आई एम डन विद माय पैंट. हाँ, I am done with my kapras. Now you show your kapras. 1350 रुपए में guys, इसने इतने सारे कपड़े खरीद लिए. गिनोगे कितने कपड़े हैं? हाँ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ कपड़े इसने 1350 रुपए में खरीदे. वो भी सरोजनी से. आप मतलब सोच सकते हो, अगर आप किसी स्टोर पे जाओगे नॉर्मली तो आप 1350 में तो मतलब शुरुआत ही होती है भैया. 1299 से तो शुरुआत ही होती है कुछ भी लो. एंड ऐसा नहीं है कि आप सरोजनी के कपड़े पहन नहीं सकते. हम सब कपड़े पहनते हैं, हम ब्रांडेड भी पहन लेते हैं. मेन होता है कि आप उसको कैरी कैसे करते हो. एग्जैक्टली. हाँ सो हमारे पास ऐसे इससे पहले भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो सरोजनी के हैं. जो ये जो इससे पहना है ये भी सरोजनी का है. 100 रुपए का. 100 रुपए का जो पिछले साल आए थे. पिछले साल नहीं, कोरोना काल से पहले लाए थे. पिछले तो घर के लिए तो बहुत कंफर्टेबल है आपके. 100-100 रुपए वाला एकदम पैसा वसूल वाले कपड़े हैं. हाँ और उनको आप मतलब घर में निकालने से पहले आप एक दो बार बाहर पहन के जा सकते हो. क्योंकि ऐसे वाले हम लेकर ही नहीं आते हैं जिसमें भैया कट हो या गंदे गंदे हो रखे हो. वो हम पहले ही छोड़ आते हैं. क्यों? क्योंकि पैसे दे रहे हो चाहे 100 रुपए भी हो. मेहनत की कमाई हमारे 9 to 6 जॉब की कमाई है ये. 31-31 दिन जब हम मेहनत करते तब पैसा आता है. ओके चलो फिर अब शुभी रोना हो गया. हाँ, अब शुभी दिखाएंगे अपने कपड़े. यार किसी को किसी का फ्रेंड आईटी में होना मेरा रेज्यूमे में लगा. मेरा भी. हाँ स्टार्ट करो. इसका खोलो. अब मैंने कैलकुलेटर खोल दी. अब मैं इसका जो भी इसने सामान दिया है वो कैलकुलेट करूंगी. चलो शुरू हो जाओ. यस सो मैं बहुत जल्दी जल्दी दिखाऊंगी क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं है. वीडियो बहुत जल्दी करना है. मैं बहुत बकवासें करती हूँ इससे मुझे बहुत कम टाइम दिया है. सो ये मैंने खरीदा था. अब ये देखो कितना क्यूट सा है. एकदम झटाक जैसा. इसके आगे ऐसे डिजाइन है क्रॉस क्रॉस वाले भी. यस और आपको पता है किस ब्रांड का है ये? ये है
एम का टिंग। सो ये मुझे मिला है 100 रुपए का, 100 रुपए का, 100 रुपए का थर्मल, 100 रुपए का नहीं मिलेगा यहाँ पे। लुक एट दिस, दिस इज सो क्यूट। इसमें तीन बंदर है जो शुभी के बंदर है। नो ये बंदर है तीन, ये मैं क्रिसमस के दिन पहनूंगी। और ये बहुत क्यूट सा है, ये बैगी लुक आजकल बहुत चल रहा है, तो आप इसे जैगिंग के साथ या फिर हाई वेस्ट जीन्स के साथ आप इसको कैरी कर सकते हो, लूजी लूजी, और इसके स्लीव्स को थोड़ा वैसे फोल्ड करके कूल लुक करके कैरी कर सकते हो। जब आप दो तीन बार बाहर पहन लो तो फिर इसे घर में निकाल लेना, क्योंकि एट द एंड हमें ऐसे कपड़े पहनने होते हैं जैसे पोछे वाले, जो आगे बाद में एक साल बाद पोछे बन जाए। So, ये भी मेरा, ये तो 100 रुपए is worth है। हाँ, तो ये भी मेरा 100 रुपीज का था। एंड नाउ लुक एट दिस, दिस इज सो क्यूट। एंड ये थोड़ा पिंक कलर का है, वैसा सेम स्टफ का है जैसा मैंने शॉर्ट वाला कार्डिगन। इसका स्लीव्स भी देखो बहुत सही है, इस पे कोई रुआ पुआ नहीं है, रुआ पुआ। ये सेम जगह से ली थी हमने। हाँ, हमने सेम जगह से ली थी। कितने का था ये? 200 का। ये 200 का था। तो इसको भी आप वैसे ही लुक ले सकते हो जैसे तुम्हारा वाला पिंक वाले का लुक था, कि आप इसको जैगिंग के साथ कर सकते हो, उसके ऊपर बूट्स कैरी कर सकते हो और ये कर सकते हो। एल्स अगर आप जीन्स के साथ कर रहे हो तो उसको टक कर लो थोड़ा सा, ठीक है। सो नेक्स्ट है मेरा ये वूलन पैंट, सेम ट्राउजर, सेम ट्राउजर है ये, 250। यार मेरा एक और था ना वूलन का पिंक वाला, कौन सा? हाँ, अरे वही पागल खाने वाला वो भी मैं दिखाऊंगी, ठीक है। ये है, सो ये आजकल बहुत चल रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी इसे चलाएं, तो हम भी ले आए इसे। तो ये हमें मिला, उसमें आपको बहुत, आपको सरोजनी में ना बहुत सारे ट्रेंडी कपड़े मिलेंगे, मिल सकते, हाँ मिल जाते हैं। ढूंढना पड़ेगा, बहुत रश है क्योंकि पता नहीं क्यों सब लोग गुस्से पड़े हुए, अंकल भी जा रहे हैं। यार अंकल आप क्या करोगे वहाँ जाके लेके, तो प्लीज मुझे बता दो आपको वहाँ क्या लेना है। सारा लड़कियों का सामान तो मिलता है, एक दो शॉप है लड़कों की, वहाँ पे लड़कों का सामान मिलता है, अंकल लोगों को क्या मिलेगा मुझे बताओ, बड़ा दुख है मुझे इस बात का। आंटियों को भी तो लेके जाना। अरे यार अंकल ऐसे गुस्से चले जाते हैं, धक्का मार देते हैं। सो ये वूलन का पैंट है, ये मैंने 250 का लिया था, और ये सबसे लास्ट वाले लेन से लिया था मैंने। देन ये मैंने एक स्कर्ट लिया है, काफी प्यारा सा है, ऐसे फ्लेयर्ड वाले हैं, जिनको शॉर्ट स्कर्ट नहीं पसंद है वो ऐसे स्कर्ट भी वहां से ले सकते हैं। ये नी से थोड़ा सा नीचे तक है, तो आप इसको ले सकते हैं, अगर जिसको ऊंचे भी पसंद है तो वो थोड़ा सा ऊपर से फोल्ड कर सकता है। ये भी 200 का कर सकते हो, ये भी 200 का है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और ट्राउजर है, वो भी मैं दिखाऊंगी भी। ये मैंने लिया क्योंकि मेरे पास ऐसा फ्लेयर वाला, मतलब ब्लैक तो था बट ऐसा फ्लेयर वाला नहीं है, जो कि मुझे लग रहा है फॉर्मल लुक भी देगा। हाँ, फॉर्मल लुक भी देगा। और पॉइंट इज कि शायद मुझे 1 इंच और लूज करना पड़े इसको परफेक्ट फिटिंग आने के लिए। मेरे पास एक और है, वो भी मैं दिखा रही हूं, 200। सो आई वन मोर, ये पागल खाने का कपड़ा, ये वैसे आप पहन सकते हो लेकिन ये थोड़ा ना, इसने लेंथ नहीं देखा तो ये थोड़ा ऊंचा हो गया। इसका कलर, इसका स्टफ ये बहुत वार्म है, बहुत प्यारा है ये, ठीक है। और नीचे फ्लेयर भी बहुत अच्छा है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये हाई वेस्ट है, और अगर मैं इसे हाई वेस्ट करके पहन रही हूँ तो ये मेरे एंकल से शायद इतना ऊंचा जा रहा है ये, तो वो अच्छा नहीं लग रहा, मतलब वो वाला लुक नहीं आ रहा जो आना चाहिए। तो मैं इसे झाड़ू कर तो मैं दिखा देती हूँ, देख लो अभी 13। नो 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 नो, हाउ कैन यू फॉरगेट दिस, दिस इज वेरी क्यूट, लुक एट दिस। ये क्या है? ये श्रग है। अच्छा ओके, ये श्रग है, ये मैंने लिया है, वूलन वाले में है, ठीक है, ये वूलन वाला है और ये बहुत क्यूट है। बस ये लास्ट था, ये मैंने लिया था 200, ठीक है, फाइनल खत्म हो गया। 1500 में इसने इतने सारे कपड़े, आ मेरा पैर सो गया, इतने सारे स्टफ, इतने सारे कपड़े, चलो चलो। हाँ तो मैंने कितने लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक जो अंदर रखा 8, 8 कपड़े लिए मैंने, 8 कपड़े ओनली एट 1500 रुपीज। यस, सो ये जो कपड़े हैं वो हम आपको पहन के नहीं दिखा सकते क्योंकि भैया ठंड में हिम्मत नहीं करते कि बार बार कपड़े चेंज कर करके दिखाएं। लेकिन जो हमारे आने वाली वीडियोस होगी उसमें आप हमें ये कपड़े पहने हुए देख सकते हैं। सो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे कैरी
हम नहीं मतलब आप लोग भी कैसे कैरी कर सकते हैं वो कपड़े. सो दैट्स इट. एंड हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितना भी हमें शॉप्स नंबर याद थे हम वो सारे मेंशन कर देंगे है ना. और वीडियो एडिटिंग में भी हम एक दो जगह जहाँ पे हम प्रॉपर एग्जैक्ट हमें पता है कि यहाँ से ली है जैसे कि एक शॉप में जो हमने वुलन वाला स्टफ लिया था वो 109 106 था, एक 68 था जहाँ से हमने वूलन का लिया था. मतलब एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि हमने किस किस शॉप से क्या उठाया है, बट हाँ हमें शॉप नंबर पता है. तो आप उन शॉप पे जा सकते हैं, हम आपको थोड़ा और आइडिया दे देते हैं कैसे कैसे कहाँ पे था. जैसे वाले से भी तो जाते हैं सीधे. हाँ वो फिर इंसेंस वाले. हाँ और जैसे मेट्रो गेट से निकल के आते हैं जो एंट्री पॉइंट है सरोजनी का, उस वाली लेन से हमने क्या लिया था, ट्राउजर लिया था उस वाली लेन से. हाँ तो वहाँ पे फॉर्मल्स का बहुत ज्यादा है. और हमने एक और चीज भी तो ली थी यार. हाँ जैसे गए अपने वो जो हमने पैरों में पहनी वो तो नहीं दिखा रहे हैं. हमने ये एंकलेट लिया नजर बट्टू. दिस इज नजर बट्टू. इसे पहन के आपको नजर नहीं लगेगी. दिस ये भी हमने 50 रुपीज में ली है. हाँ हमने ये 4 से 5 लिए थे. अभी मे बी शायद न्यू ईयर के वजह से बहुत ज्यादा रश है. आप लोग ट्राई करना कि वीकडेज में ही जा पाओ. क्योंकि ये हमारा सेकेंड बार जब हम गए वीकडेज में तभी हम सही से शॉपिंग कर पाए. नो डाउट तब भी रश था लेकिन शॉपिंग करने के लिए इतना तो खोना पड़ेगा. हमारा जो वीडियो में है वो इसलिए ही गैप हुआ था क्योंकि जब हम पहला पोर्शन बना मतलब पहले जब हम गए थे बहुत रश था और उसके बाद हमारी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि हम दोनों की तबीयत खराब हो गई थी. उसके बाद यार हमें बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला कि कोई भी वीडियो नहीं रहा तो हमने सोचा कि यार अब जो अब आंधी आए तूफान आए भीड़ आए भाड़ आए सब में बस घुसना है और बस सरोजनी का वीडियो दिखाना है. सो आपको हमारा वीडियो देखकर समझ आएगा कि बहुत ज्यादा रश है. मतलब हम लोग इस बार तो हम फ्राइडे गए हैं तभी भी बहुत ज्यादा रश है. सोचो होता हूँ सैटरडे संडे का. एंड ज्यादा बकवास ना करते हुए हम आप इस वीडियो को रैप अप करते हैं. डू यू वांट टू सी एनीथिंग एल्स? यस सैटरडे संडे मत जाना. हाँ, वो मैं बोल चुकी टिल जनवरी के 15 तारीख तक क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में तो बहुत भीड़ होगी. तो प्लीज हो सके तो वीकडेज जाना वरना 15 तारीख के बाद जाना. ये एडवाइस है हमारी. जल्दी जल्दी चले जाना न्यू ईयर पे अगर कुछ ऐसा पार्टी वेयर लेनी हो तो. मैंने तो अपना कलेक्शन ले ली. एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा then do share with your friends and like comment bas aur please subscribe zarur kar dena yaar. ha aur aise hi pyar dete rehna kyunki bahut logon ne bola humne videos kyun nahi upload kare. acha laga hame bhi ki aap wait karte ho hum log ke videos ke liye. hame suggestion diye gaye ki hame kya kya dikhana chahiye. so ye video jo hai wo unhi mein se kisi ek ke suggestion se hai. ek ke bahut sare logon ne bola hai तो उन्हीं में से किसी के सजेशन से हमने ये सरोजनी करके बनाया वरना हमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि हम दोबारा जाएं. और हम बहुत एक साल बाद गए हैं शायद. हाँ, हम सरोजनी बहुत सारे लेन वहाँ पे ओपन हो गए हैं न्यू न्यू में ना. आप अच्छे से जाना सुबह जाना भूल गए तो मैं याद आया क्या. हाँ ये जो इसके हमें नहीं आया. हाँ ये मैंने लिया ये ब्रांड पीपल का है और ये मेरे को 1 इंच टाइट आ रहा है. तो या तो मैं एक इंच पतली जब भी ट्राउजर या जीन्स लो ना तो एक बार ना मेजरमेंट करके लेना अदरवाइज ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. फिर देखने में तो लगता है कि आ जाएगा. हाँ, और शॉपकीपर की बातों में ना आना क्योंकि वो तो बोले ये उसी का नतीजा है. मैं इसलिए नहीं लेती बट ये भी 100 रुपए का था. हाँ 100 रुपीज की सेल में लग गया था. तो थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग. थैंक यू एंड बस बाय बाय.